गुड मॉर्निंग जस्टिस सिन्हा। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा किया तुम आ गए। बहुत बहुत आपको घबराना नहीं चाहिए भाई, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। इज एवरीथिंग ऑल राइट? फर्स्ट क्लास। आइए चलिए। आइए सिन्हा साहब। इंस्पेक्टर सिंह, कोर्ट में कोई भी सस्पिशियस कैरेक्टर नजर आए तो उसे फौरन अरेस्ट कर लेना। यस सर। और अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसको गोली मार देना। यस सर। ओके। लीजिए, आ गया आपका कैबिन सिन्हा साहब। आप इत्मीनान से अंदर बैठिए, मैं जरा बाहर का अरेंजमेंट देख कर आता हूँ। नहीं नहीं जी, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम दिन भर मेरे साथ रहोगे आज। आप फिजूल में घबरा रहे हैं सिन्हा साहब, वो यहाँ नहीं आएगा। अरे व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, वो ब्लैक कैट कमांडो है, कहीं भी आ सकता है वो। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, चलिए चलो। ठीक है तो डीसीपी, वो शायद अब यहां नहीं आएगा क्योंकि 11 बजे में 5 मिनट बाकी है। मैं ठीक 5 मिनट के बाद अपने डाइस पर जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। अपने वादे के मुताबिक मैं तुम्हें तुम्हारी कुर्सी पर बैठने से पहले मारूंगा, जिस तरह तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा था। यस इंस्पेक्टर सिंह। सर आप अभी तो आप जज साहब के साथ अंदर गए थे। व्हाट? मैं? कुछ देर पहले आपने तो मुझे हिदायत दी थी कि कोई भी सस्पिशियस आदमी नजर आए तो उसे गोली मार देना। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर सिंह, मैं तो अभी जस्टिस सिन्हा के घर से ही आ रहा हूँ और मेरे वहां पहुंचने से पहले वो घर से निकल चुके थे। तो जस्टिस सिन्हा के साथ वो आदमी कौन था? अब चलो मेरे साथ। सिन्हा की तबीयत इतनी खराब तो नहीं थी कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती? हाँ, बात तो अजीब है, मुझे भी ऐसा लगता है कि उसकी मौत नहीं, हत्या हुई है। आप ठीक कह रहे हैं, जस्टिस सिन्हा की मौत नहीं, हत्या हुई। क्या? और ये हत्या की है दिग्विजय सान्याल ने। तुम्हें कैसे पता? वो मेरे ऑफिस आया था और कह रहा था कि जो कोई भी उसके भाई की हत्या में शामिल है वो उसे बख्शेगा नहीं। तो डीसीपी, तुमने उसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। कमिश्नर साहब शहर से बाहर गए हुए, उनके शहर में आते ही मैं उसको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लूंगा। दिग्विजय सान्याल एक ब्लैक कैट कमांडो है, कमिश्नर साहब की इजाजत के बिना मेरे लिए उसे गिरफ्तार करना मुश्किल है। डीसीपी, जो करना है जल्दी करो, अगर तुमने कुछ नहीं किया
तो। विजय, मैंने तुम दोनों से वादा किया था कि तुम्हारे कातिल को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जस्टिस सिन्हा को मारकर मैंने अपने इंतकाम की शुरुआत की है। वैसे तो सिन्हा अपनी मौत खुद मारा है, लेकिन कानून की नजर में उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। पिताजी, कहीं आप मुझे खूनी तो नहीं समझ रहे? बेटे, जिस बाप का जवान बेटा मर जाए उसका दर्द वो ही महसूस कर पाता है। मुझे मालूम है बेटे कि मेरा बेटा विजय और मेरी बहू कभी वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन उनके हत्यारों को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। बेटे, अगर तू खूनी है तो आज के बाद हर बाप ऐसे ही खूनी बेटे के लिए दुआ करेगा कि भगवान उसे तुझ जैसा बेटा दे। कविता, चलो घर चलो। कौन है आप? ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम अपने डैडी को नहीं पहचानती? ये रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैंने आपका घर छोड़ा था। ऐसे आवारा लड़के के भरोसे तुम अपने डैडी का घर छोड़कर आई हो? मुझे बहुत हैरानी है तुम्हारी पसंद पर। आपको इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। देखो, इस वक्त सिर्फ एक बाप बोल रहा है, लेकिन जब एक डीसीपी बोलेगा ना तो उसका रुख बहुत भयानक होगा। मुझे पता है, एक खूनी कुछ भी कर सकता है। शट अप और अपनी ये बकवास बंद करो। तुम जानती नहीं हो, जानते हैं डीसीपी साहब, आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन अगर आप अपनी तमाम पुलिस फोर्स भी लेकर यहाँ आ जाएं, तो भी आप और आपका कानून हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। What? हाँ, चलो कविता। क्या सोच रही हो कविता? सोच रही हूँ वक्त भी कैसे करवट बदलता है। कल तक जिस पिता का नाम लेते हुए मुझे गर्व महसूस होता था, आज उसी का नाम लेते हुए मुझे शर्म आती है। लेकिन ये खून के रिश्ते भी बड़े अजीब हैं। हम चाहकर भी तोड़ नहीं सकते। मैं अपने पिताजी से जितनी नफरत करती हूँ उससे कहीं ज्यादा उनसे प्यार भी करती हूँ। इंदर, अगर पिताजी इस गलत रास्ते को छोड़कर अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लें तो क्या तुम उन्हें माफ कर दोगे? अगर प्रायश्चित सच्चे दिल से किया जाए तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। कविता, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। डीसीपी कुमार जी सर, अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि वो मास्कमैन कौन था जिसने आपका मास्क पहनकर जस्टिस सिन्हा की हत्या की। जी, इससे साफ जाहिर होता है कि उसे आपके प्लान की पूरी जानकारी थी। हो सकता है वो अपने डिपार्टमेंट का कोई आदमी हो। जी सर, मैं मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करोगे। सर, जल्द से जल्द उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। आइए आइए डीसीपी साहब, मुझे मालूम था आप जरूर आएंगे, लेकिन आने में थोड़ी सी देर कर दी। मैं तुम्हें जस्टिस सिन्हा के कत्ल के इल्जाम में शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करता हूं। चलो मेरे साथ। क्या मैं यह टेप सुन सकता हूं? सुन सकते हो? हुमायूं, ये इंस्पेक्टर विजय सान्याल ने रुद्राक्ष को कपूर का खून करते हुए देखा। तो इंस्पेक्टर विजय सान्याल ने रुद्राक्ष को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। तो बाद में होना क्या था? मैंने रुद्राक्ष ने डीसीपी और नेताजी ने मिलकर इंस्पेक्टर विजय सान्याल को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त किया। क्या हुआ डीसीपी साहब,
गाड़ी क्यों रोक दी? वैसे मुझे ये टेप कमिश्नर तक पहुंचानी है। जैसे सिन्हा से बात करते वक्त मैंने टेप कर लिया था। लाओ ये टेप, मुझे दे दो। ये लीजिए, बहुत सारी कॉपियां हैं मेरे पास। देखो मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम गाड़ी से नीचे उतर जाओ, जाओ इससे लेके जाओ। आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। तुम्हारे कानून में इतना दम नहीं जो मेजर को हथकड़ी पहना सके। पहले अपने आप में बुलंदी पैदा करो। जो खुद अपनी औलाद की नजरों में गिर चुका है वो मुझे क्या रिस्क करेगा।